केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता और पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर को पुण्यतिथि है। ग्वालियर में कटोरा ताल स्थित छतरी परिसर में माधवराव सिंधिया की याद में एक बड़ा आयोजन होगा। सुबह 9 बजे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला शुरू होगा और इसके साथ ही हर वर्ष की तरह भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी धर्म समाज विशेष के साथ आम लोग भी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में 2 दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाएं माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के इस मौके पर कहीं फल वितरण तो कुछ कहीं अलग अलग समाज सेवा से जुड़े कार्य करेंगे। गौरतलब है कि माधवराव सिंधिया की मृत्यु 30 सितंबर 2001 को हुई थी। वो एक रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। उस वक्त मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कैलाशवासी श्रीमद माधवराव सिंधिया जी की प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 सितंबर को, जो कि उनकी 30वीं पुण्यतिथि है, उस दिन सभी लोग सुबह प्रातःकाल 9 बजे से वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए छतरी प्रांगण में इकट्ठे होंगे और सुबह ही वहाँ पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शहर के लोग, सभी समाजों के, सभी धर्मों के लोग वहाँ उपस्थित होंगे और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।